नमस्ते, आज आम आलोचना करिबा सारळा महाभारतरे पर्व पर्वाणी प्रसंग। साधारण भावरे मनीष समाज रे मनीष जीवन रे पर्व पर्वाणी होउची एपरी एक व्यवस्था बा एपरी एक श्रृंखला तार जीवन को जहाँ अधिक शक्ति प्रदान करे, गति प्रदान करे, अधिक परिमाण रे एक प्रकृति सहित समन्वित है, संपर्कित है, आगकु जीवा पाई जेमिति तहा ताकु खोराक जगाए, प्रेरणा जगाए। तेणु एई पर्वर पछरे धर्म एवं परंपरार प्रभाव गभीर भावरे रहिछि। आमर प्राचीन पुराण रे विभिन्न पर्व पर्वाणीर कथा उल्लेख कराही जेपरी भागवत मध्य कहे जे हरि तषण बा पुंसवन व्रत पालन कले नारी माने उत्तम स्वामी संतान और संपद लाभ करती। से हीपरी स्कंद पुराण मतरे पंचमी रे नागराजा, षष्ठी रे कार्तिकेय, सप्तमी रे सूर्य, अष्टमी रे शंकर, नवमी रे दुर्गा, दशमी रे ब्रह्मा, एकादशी रे रुद्र, द्वादशी रे विष्णु, त्रयोदश रे कामदेव और चतुर्दशी रे शिवंक पाई उपवास विधेय। नारद पुराण रे विष्णु, नारायण, माधव, गोविंद, मधुसूदन, त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, लक्ष्मीनारायण, ध्वजारोपण और हरिपंचक प्रभृति व्रतर उल्लेख मिले। तेबे व्रत मानक मध्यरु केतेक शास्त्रीय और केतेक नारी व्रत, नारी व्रत मानक मध्यरु पुणी केतेक कुमारी व्रत। शास्त्रीय मतरे शास्त्रीय व्रतरे वैदिक कर्मकांड अनुसृत हुए, नारी व्रतरे उभय कर्मकांड तथा लौकिकतार प्रभाव देखा जाए, कुमारी व्रतरे केवल लौकिकता रहे। तेणु एथिरु देखा जीवो जे हिंदू माने प्राय अधिकांश दिन पर्व व्रत बा उपवास रे अतिवाहित करंती। प्रति पर्वरे साधारणतः दान, भोजी, नृत्य गीत और आमोद प्रमोद प्रधान अंग हिसाबरे आलबरुणीकर विवरणी रु जणा जाए एवं तांको समय रे माने षष्ठ सप्तम शताब्दी रे मध्य कुहा हिची जे हिंदू माने हिंदोळी, बसंत, महानवमी, दोल, दीपावली आदि बहु पर्व तथा उपवास पालन करुथिले। पंचदश शताब्दी उत्कड़ीय समाज रे बहु पर्व व्रत और उपवास पालित होउथिबार देखा जीवो जहाँ सारळा महाभारत रे वर्णना करा जायछि। एवं एही क्रम रे प्रथम रे आसीबो एकादशी व्रत। नारद पुराण मतरे एही व्रत पालन कले दस सहस्र जन्मर पाप दूरीभूत हुए। स्मृति शास्त्र कहे जे जेऊं व्यक्ति एकादशी व्रत करे नहीं से रौरव नामक नरकरे पड़े। पंडित सर्वस्व नामक ग्रंथरे लेखा है जे अष्टम वर्ष ठारु अशीति वर्ष हेबा पर्यंत एकादशी व्रत पालन करिबा उचित। एकादशी व्रतर बहु प्रसिद्धि थिला पंचदश शताब्दी रे ओडिसा रे। एही व्रत पालन कले वैकुंठ लाभ हुए और मुक्ति मिले बोली लोके विश्वास करुथिले। एही व्रत रे नारायण पूजा पाउथिले। शांतनुंकर गंगांक प्रति उक्तिरु एहा स्पष्ट हुए। आदि पर्वरे सारळा दास उल्लेख करिछंती शांतनु बोइले प्रिय सुण मोर मत मुकतिर कारणए एकादशी व्रत तुषखीरे आज कर एकादशी व्रत दुहे जाई बैकुंठे बसिबा संगात नारायण आत्मालय महाब्रह्म सिना
ରାଗ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ସଂସାର ରଚନା। ତେଣୁ ଲୋକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବ୍ରତରାଜ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଆଦି ପର୍ବରେ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ରାଜାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଭୀଷ୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ରାଜନୀତିର ଉପଦେଶ ଦେବା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ଧାର୍ମିକକୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରାଇବୁ, ବିଦେଶୀ ଦୂତେ କଟକେ ପ୍ରବେଶୀ ନ ଦେବୁ। ଏକାଦଶୀରେ ଆମିଷ ଭୋଜନ ପାପ ବୋଲି ଲୋକେ ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ସେଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କଲେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଧର୍ମୀ ବା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଜପ ଓ ହବିଷ କଥା ନାହିଁ। ତେବେ କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସେତେବେଳେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ମାସରେ ମଣିଷ ମଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବରେ କବି ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ସୁଜାଣେଶ୍ୱର ନାମକ ଶବର କାର୍ତ୍ତିକରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରି ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏ ସମୟ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ ସେହୁ ଯତି, ପୁଣ୍ୟ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକରେ ସେ ରାତି ପାହାନ୍ତି। ସେହିଦିନ ସେ ଶବର ପ୍ରାଣକୁ ଛାଡ଼ିଲା, ଅନ୍ତେ ଯତି ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବସିଲା। କବି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସ୍ନାନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଜରାଜ ଓ ଭୀଷ୍ମ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ନିମିତ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କର ମୃତ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବାଛିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାବାସ୍ୟା ଦିନ ପିତୃଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ବିଧି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କାମାକ୍ଷୀ ବ୍ରତର କଥା ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଗୌରୀ ଓଷା। ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାମାକ୍ଷୀ ବୋଲି ଅଛଇ ଗୋଟିଏ ଯେ ବ୍ରତ, ସେ ବ୍ରତ କରିଲେ ଧର୍ମ ହୋଇବ ପ୍ରାପ୍ତ। ତିଥିବାର ଯେବେ ଏକ ଯୋଗ ହିଁ ହୋଇବ, କୃଷ୍ଣ ଗୌରୀ ସେ ଓଷା ନାମ ବୋଲାଇବ। ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ଧର୍ମ ହେବ, ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ବୋଲି ନାରଦ ଦେବକୀ ଓ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ମାଘ ମାସର କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ବୃହସ୍ପତିବାର ଓ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର ଏକତ୍ର ଯୋଗ ହେଲେ ଏହି ବ୍ରତ କରଣୀୟ ବୋଲି ନାରଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରତରେ ଅଷ୍ଟରତ୍ନଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷେ ହସ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଭାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ଲକ୍ଷେ ରତ୍ନଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷେ ଅଶ୍ୱ ଦାନ କରିବାର ବିଧି, ରତ୍ନାଳଙ୍କାର ମଣ୍ଡିତ ଏକ କନ୍ୟା ନିଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ଦାନ କରିବା ଏହି ବ୍ରତର ଅନ୍ୟତମ ନିୟମ, 1,00,000 କୃଷ୍ଣ ଅଜିନ ଦାନ ଦେବା ଓ ଗଣ୍ଡାଟିଏ ବଧ କରି କାମ୍ୟ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବିଧେୟ, ଲକ୍ଷେ କାମାକ୍ଷୀ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଗଠନ କରି ପ୍ରତି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଛାଗ ବଳି ଦେବା ବ୍ରତର ଅନ୍ୟତମ ରୀତି, ଲକ୍ଷେ ସଂଖ୍ୟକ ସୁଗନ୍ଧିକା ପୁଷ୍ପ 16 ଦିନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ବ୍ରତରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ବ୍ରତର ପାଳନ କାଳରେ ଦିବାରାତ୍ର ଉନ୍ନିଦ୍ର ରହିବା, ମୈଥୁନ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ତୈଳ ଓ ତାମ୍ବୁଳ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ବିଧେୟ ବୋଲି ନାରଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାଘ ମାସର ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ। ତେଣୁ ଗୌରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଥା ଆମେ
महाभारत रे एमिति कि परवर्ती समय रे भागवत रे मध्य जगन्नाथ दासंकर उल्लेख रही देखा पाइबा से परी बन दुर्गा ओषा महाभारत रे सारा महाभारत रे एही नाम रे गोटिए ओसार थिबार कथा कुआ जाइछि कवि कहिछन्ति जे एही व्रत पालन कले मानवर मनोवांछा पूर्ण हुए अर्जुन अज्ञातवास रे थिबा बेले द्रौपदी एही व्रत पालन करिथिबारु से सर्वशुभ रे घर को प्रत्यावर्तन करिथिले एही ओसा अष्टादश शताब्दी रे मध्य पालित हेउथिबार उल्लेख रहिछि मंगलवार ओषा बाबदरे मध्य सारा महाभारत रे वर्णना करी कवि कहिछन्ति जे चंद्रावती को नारद एही ओषा पालन करिबा पई परामर्श देथिले एवं एही ओषा पालन रे मुख्यतः गौरी को पूजा करिबा हेउछि विधि एही पूजा चैत्र मास शुक्ल पक्ष मंगलवार रे करणीय मंगलवार ओषा पालन कले नारी पुत्रवती सुलक्षणी और भाग्यवती हुए तथा वैकुंठ धाम प्राप्त हुए तार समस्त मनोवांछा पूर्ण होता है नारद कनक चंपा पुष्प आनी विधि विधान सह यही ओषा पालन करिबा पाई चंद्रवती जो चंद्रावती को उपदेश देथिले सेहीपरि अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा बाबदर मध्य सारा महाभारत रे उल्लेख रही एवं एही अक्षय तृतीया प्रसंग रे कवि कहिछन्ति जे विराट पुर रे एही उत्सव पालन करिबा पई बिंधाड़ी माने सुवर्णर एक नारायण प्रतिमा गठन करिथिले प्रतिमा को विमान रे बसाई वाद्य बाजना सह नदी तट को निया जाइथिला प्रतिमा को नौकारे बसाई नौविहार करागला वैशाख मास शुक्ल तृतीया तिथि रे एही चंदन उत्सव पालित होइथिला बोली कवि उल्लेख करिछन्ति सेहीपरि विनायक व्रत बा गणेश पूजा पई चतुर्थी तिथि प्रशस्त सारा महाभारत रे गणेश पूजार वर्णना रहिछि कवि लेखिछन्ति वसु नामक कुंभार मृत्तिका निर्मित अष्टभुज विशिष्ट एक गणेश मूर्ति प्रतिष्ठा कले लड़ू मुआ ओ गजा नैवेद्य स्वरूप गणनाथंक आगरे प्रदान करागला फलरे से दुरारोग्य कुष्ठ रोगरु मुक्त हेले एहा देखी नगर लोके पांच दिन धरी उजागर रही गणेशंकर पूजा कले गणेशंक कृपारु अपुत्रक नारीगण पुत्रवती हेले सेई राज्य राजा काशीपति मंदिर तली गणेशंकु प्रतिष्ठा कले से विनायक मंत्र जप करी व्रत पालन करिबाकु लागिले किंतु से चंचल मना थिले तांकर मनोकामना पूरण हेउ नथिबा देखी से धैर्य हराइले ओ क्रोध परवश होई गणनाथंक उपरे पदाघात कले गणेश क्रुद्ध होई काशीपति राजांकर राज्य ध्वंस करिदेले बोली उल्लेख रहिछि रथयात्रा बाबदरे सारला दास उल्लेख करिछन्ति गुंडीचा यात्रार कथा सुदेशना निजर पूर्वजन्म वृत्तांत कहिला बेले इंद्रदुम्न ओ गुंडीचांकर विषय उल्लेख करिछन्ति कवि वर्णना रे एपरि वर्णित हेछि एबे आसी एहु हेले विराटर राजा पुणी मु सुदेशना नामे तांकर भारिजा कड़ीरे ए उपुजीबे इंद्रद्युम्न होई गुंडीचा नामे यांकर हेबी महादेई इंद्रद्युम्नक द्वारा जगन्नाथ मंदिर सर्वप्रथमे प्रतिष्ठा हवा कथा पुराण सम्मत तांकर अनुरोध क्रमे जगन्नाथ सात दिन पर्यंत अश्वमेध यज्ञ द्वारा सृष्ट पुष्करिणी समीपरे अवस्थान करिबे बोली राजी हेइथिले इंद्रद्युम्नकर पत्नीकर नाम गुंडीचा देवी थिबार मध्य जणा जाए कवि अन्यत्र कहिछन्ति श्रीकृष्ण विभीषणंकु रथयात्रा कालरे बुद्ध रूपरे दर्शन देबे बोली कहिथिले सभा पर्वरे एमिति वर्णना रहिछि जे विभीषण बोले देव ए द्वापर जुगे देखिली मु कृष्ण रूपे तर अनुरागे कळीरे नाथ मु तते देखि बोई काही केवण भुवने थिबी पथ को मु चाही गोविंद बोइले कहे सद भावे तते
ବାରାନିଧି ତଟରେ ଯମନିକ ତୀର୍ଥେ ଯେବଣ କଳ୍ପ ବଟ ଅଟେ ନୀଳଗିରି ତହିଁ ବିଜୟ କରିବୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପ ଧରି ମିଥୁନ ଶୁକଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟାର ତିଥି ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେ ଦିନର ପାହାନ୍ତି ସେଦିନ କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ରଥଯାତ୍ରା ଖେଳ ଦକ୍ଷିଣ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବିଜେ କରିବୁ ବାଲିର ଅର୍ଦ୍ଧ ଘଡ଼ି ଯାଏ ହେବୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୂରତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗତହର ଭାଜିବ ଜଗତି ଆମ୍ଭେ ରହିଥିଲୁ ନୀଳ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ହଇବୁ ଅବକାଶ ତତେ। ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହାରାଜାଙ୍କର ରାଣୀଙ୍କର ନାମାନୁସାରେ ରଥଯାତ୍ରା କାଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରହୁଥିବା ମନ୍ଦିରର ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ ରହୁଥିବାରୁ ରଥଯାତ୍ରାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ଦାସ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳରେ 16 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା କଥା ସାରଳା ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ କାଳରେ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ନିଶା କାଳରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ମହିଷ ଛାଗଳ ବା ମେଷ ବଳି ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। କବି କହନ୍ତି ଯେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ରାଜନ୍ୟ ବୃନ୍ଦ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରିବେ ବୋଲି ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ୟା ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀର ତିଥି ଶରଦ ଉତ୍ସବେ ତତେ କରିବୁ ଗୋ ଭକ୍ତି ବହୁ ସମ୍ଭାରେ କରିବୁ ନିଶା କାଳେ ପୂଜା 16 ଦିନ ଦେଉଥିବୁ ତତେ ବଳି ଭୋଜା ମହିଷ ମେଷ ଛାଗଳ ରକ୍ତ ମାଂସେ ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁମା ତତେ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବରାଜା। ତେଣୁ ଏଇ ପରମ୍ପରା ହୁଏତ ଆହୁରି ପ୍ରାଚୀନ ହେଇଥାଇପାରେ ଯାହା ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ପାପନାଶ ହୁଏ ଓ ଯମଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରବିବାର ଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରବିବାର ଦିନ କୁମାରୋତ୍ସବ ହୋଇଛି ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନ ଆସ୍ଥାନେ ବିଜୟ କରି ଦେବଚକ୍ରଧାରୀ ଅନେକ ରତ୍ନ ଦେଲେ କୌତୁକ କରି କେରୁସନ୍ତି କେହସନ୍ତି ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ବଳେ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଜନ ପ୍ରାୟ ଶୁଭଇ ଚହଳେ ଆରିସା କାକରା ପୁଣି ସାକରାଦିମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଉପହାର ଦେବାଙ୍ଗ ବସନ କର୍ପୂଳ ତାମ୍ବୁଳ ଆଦି ହଇଣ ଉତ୍ସୁକ ପାଟର ବସନ ବିତରନ୍ତି ଏକ ଏକ। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁମାରୋତ୍ସବ ଉତ୍କଳର ନିଜସ୍ୱ ପର୍ବ। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉତ୍ସବ ରୂପେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ। ସାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାଭାରତରେ ଧନୁ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥି ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଅକ୍ରୁର ଅର୍ଜୁନ ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଆନୟନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମର ଅଭିଷେକ ଜେସନ ବି ଧାନେ ରଙ୍ଗଯାତ୍ରା ଭିଆଇଲେ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦାପନା ପୁଷ୍ୟା ଅଭିଷେକ ବାହନ ଚଢ଼ି ଦେଖନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବୃନ୍ଦାରକ ଆକାଶରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ ମଘବାନ ଜୟ ଜୟ ଶବଦରେ ପୁରିଲା ଗଗନ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ। ଏବଂ ଏହି ଭୀଷ୍ମ ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ବାବଦରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ମହାପାତକ ନାଶ ହୋଇ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ହୁଏ। ସାରଳା ଦାସ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି ବ୍ରତ
बाबदरे परामर्श देइछन्दि। आजहुं भीष्म दशमी आउ एकादशी द्वादशी त्रयोदशी जे आउ चतुर्दशी एई पांच गोटी व्रत तते मु देलई एही परी बईले जे देव जदु साई। कवि दर्शाई जे भीष्मंकर उद्देश्य रे मकर शुक्ल दशमी रे श्राद्ध कले प्रयाग रे पिंडदान करिबार फल मिले। तांक मतरे भीष्म एकादशी एकादशी मानंक मध्यरे श्रेष्ठ। से पुणी कहंती जे एही व्रत पुण्यदायक ओ व्रत मानंक मध्यरे राजा। एठारे उल्लेख जगे जे पंडित सर्वस्वरे मध्य भीष्म पंचक व्रतटी एकादशी ठारु आरंभ हुए बोली कुहा जाइथिले। कवितार आरंभ दशमी ठारु करणीय बोली दर्शाइछंती। पुणी कवि दशमी तिथिरे भीष्म श्राद्ध कर्तव्य बोली कहिछंती। किंतु पंडित सर्वस्व ग्रंथरे अष्टमी तिथिरे श्राद्ध विधेय बोली लिखा हेछि। भीष्म पंचक व्रतटी कार्तिक मासरे करणीय बोली पंडित सर्वस्व कहे। किंतु कविंकर वर्णनारे तार काल होउछि मकर बा माघ मास। सेहिपरि माघ स्नान बाबदरे मध्य सारला दास वर्णना करी कहउछंती जे माघ सप्तमी दिवस रे तार जो महात्म रहिछि चंद्रभागारे स्नान सूर्य दर्शन और दान धर्म कले अपार पुण्य मिले। सारदास चंद्रभागा तीर्थरे बीरंची नारायण को दर्शन करिबा और पिंडदान करिबा पाई उपदेश देइथिले। सेहिपरी शिवरात्रि प्रसंगरे मध्य सारला दास उल्लेख करिछंती जे से दिन लोके उपवास करूथिले जयद्रथंकु बध करिया पई अर्जुन जेउ शपथ कले तहिरु एहा माने स्पष्ट हुए। एकादशी शिवरात्रि ग्रहण काल रे जेजन भुंजंती अन्न एतिनी बेला रे विधवा ब्राह्मणी की जे हरहि कुतूहले से पाप भगीबी जयद्रथ नमाइले। द्रोण पर्व रे एई कथा उल्लेख रहिछि। तेणु आमे देखुचे जे ओडिसा रे पंचदश शताब्दीर ओडिसा रे पुरुष और नारी उभय विभिन्न रकमर व्रत पालन करिछंती एवं ता सहित कृष्ण गौरी ओषा मंगलवार ओषा भली ओषा मध्य पालन करिछंती। मनीष जीवन पूर्णता प्राप्ति पाई गोटे क्रीडार मध्य आवश्यकता अछि एवं क्रीडा अनेकतः एक सुस्थ शरीर श्रृंखला एवं ता सहित एक सम्मिलित बा एकत्वर भावना उत्पन्न कराए। तेणु महाभारत रे संस्कृत महाभारत रे एवं सारला महाभारत रे जो खेल प्रसंग रे क्रीडा विनोदर जो व्यवस्था संपर्क रे उल्लेख कराई से भितर मुख्य होउची अक्ष क्रीडा। संस्कृत महाभारत रे अछि जे दुर्योधन और युधिष्ठिर मध्य अक्ष क्रीडा होउथिला। विष्णु पुराण रे कलिंग राजा अन्यान्य राजा मानंक सह मिलित होई अक्ष क्रीडा रे बलराम को पराजित करिथिले बोली कुहा जायछि। आलबरुणी एही क्रीडा तांको समय रे भारतवर्ष रे प्रचलित थिला बोली दर्शाइछंती। अकबरंकर काल रे एही पसा खेलर प्रभुत प्रचलन थिबार जणा जाय। सारला दास तांकर पंचदश शताब्दीर कथा जेतेबेले उल्लेख करिछंती सेतेबेले मध्य या स्पष्ट भावे वर्णना करी कहउछंती जे अक्ष क्रीडा क्रीडा राजा मानंकर थिला प्रधान व्यसन अवसर विनोदनर आधार। युधिष्ठिर तांकर जो दुर्योधनक सहित जो पसा खेल होइछि सारला दासंकर वर्णना रे शकुनी पसा काठी धरी निजे निजे खेलुथिले। युधिष्ठिर ताहा देखी खेलिबाकु आग्रह प्रकाश कले एवं अंटारु खड़ी बाहर करी पसा पाली टिए काटिले।
दुर्योधन शकुनी को पछकु हटाई दे निजे खेली बसिले। युधिष्ठिर परिजा रखिबारु कहिबारु दुर्योधन निजर अलंकार को परिजा रूपे रखिले। किंतु मूल महाभारत कथाटी भिन्न सेठारे कह शकुनी परामर्श क्रमे धृतराष्ट्रंकर अनुमति नहीं दुर्योधन युधिष्ठिर को अक्ष क्रीड़ापाई निमंत्रण करिथिले। कवि कहिसंती युधिष्ठिर विराटपुर विराटंक सह प्रत्यह अक्ष क्रीड़ा करुथिले माने पसा खेलुथिले। नल राजा निजर पत्नी सहित मध्य पसा खेल रत थिले। से पुष्करंक सह पसा खेली राज्य हराइथिले बोली वन पर्व उल्लेख रही। श्रीकृष्ण पसा खेल रत थिबा बेले द्रौपदी आह्वान शुणी पारिथिले जहाँ सभा पर्व वर्णना प्रसंग रे कवि उल्लेख करिछंती। सेहिपरि महाभारत रे अन्य एक बहुचर्चित क्रीड़ा होची झीमाणी ताकु आमे डुडु खेल बोली मध्य कही पारिबा ओडिसा रे। एवं एहा से समय रे राजपुत्र माने खेलुथिले। सारा दासंकर वर्णना रे कौरव और पांडव मानक मध्य रे एई जो खेल हेइथिला आदि पर्व रे तार उल्लेख करि कवि कहउछंती इंद्रप्रस्थ आखड़े हई कुतूहल भियाईले जेझीमाणी नामे एक खेल युधिष्ठिर दुर्योधन हेले मूल गंडी भीम दुशासन धरी काठी खंडी खंडी कर्ण अर्जुन ए दुहे गले एक जगे दुशासन पड़िले दुर्योधन भागे। ओडिशा रे एबे भी कहंती जे झीमाणी खेलरु महाभारत जात जहाँ को आम झीमिटी खेलरु महाभारत बोली कहचे। एवं ओडिशा रे एहा अद्यावधि एक जनप्रिय क्रीड़ा। सेपरी नाट खेल सारा महाभारत रे बालक मानक मध्य नाट खेल अर्थात सर बा कांडर खेल खूब प्रिय थिला। राज पुत्रगण यही क्रीड़ा को भल पाते दुर्योधन प्रमुख नाट खेड़ नाटक पतित होगा द्रोणाचार्य मंत्र बल नाटक ऊपर को आणवार वृत्तांत कवि वर्णना करवि एठारे एक कहते हिमालयंकर पुत्र चंद्रध्वज और शिवंकर पुत्र कार्तिक कुमार पिलादिने नाट खेलुले। सेपरी धूड़ी खेल से काल धूड़ी खेल मुख्यतः शिशु मानकर खेल हिसाब से परिगणित होता। सारादास वर्णना करिछंती पार्वती बेदपुर ग्रामर बालिका गण और कुशवती पाटणार अष्टकन्या धूड़ी खेल रत थिले। सेहिपरि शिकार क्षत्रिय राजा मानक मध्य शिकार एक प्रधान व्यसन बातर विलास बोली आमे कही पारिबा मनोरंजन रो एक प्रधान माध्यम हिसाब से परिगणित होता। एवं पूरा काल रे राजा माने शिकार करने वन को जाऊथिले ता से मानकर वीरत्व साहस और लक्ष्य सिद्धिर परिचय प्रदान करूथिला। सारदास मध्य राजा मानक मध्य शिकार उद्देश्य रे वन को जीवार कथा उल्लेख करिछंती। से कहउछंती जे भाग्यवान नामक राजा प्रजापाटक और नियोग मानंकु नै पारिधि निमित्त वनभूमि को गमन करिथिले। जशोवती नगर राजा चित्रांकुरंकर पुत्र चित्रध्वज सैन्य सामंत सह मृगया करिबाकु जाइथिले। भीष्म युधिष्ठिरंकु पारिधिरे बहिर्गत हेबाकु परामर्श देइथिले। पारिधिकी एकाबेले नते जीवु राजा देवता ब्राह्मण नित्य करूथिबु पूजा। एक कथा भीष्मदेव युधिष्ठिरंकु उपदेश देइछंती। सेहिपरि माल लढ़ई बा मल्ल युद्ध होउछि प्राचीन अन्य एक बहुचर्चित क्रीड़ा एवं एहा एक राजकीय विलास। महाभारत रे जीमूत मल्लंक सह भीमसेनंकर मल्ल युद्ध हेबार वर्णना रहिछि। सारदासंक समय रे मध्य एई माल लढ़ई प्रचलित थिला। भीमसेन प्रदेशी मल्लंक सहित लढ़ईर वर्णना करिछंती विराट पर्वरे। तांकर वर्णना हेउछि एमिति भुजे भिडा भिडी पादे करी छंदा छंदी भुजे परी ताल पादे पादे देला पादे कला बंदी
हृदय हृदय मारी भीम भुजे भुज ताड़ी शिरे शिर परिताल अंटा प्रति माड़ी व्याघ्र हस्ती ओ व्याघ्र मनीषर लड़ई से जुगर अन्यतम विड़ास थिला बोली कवि उल्लेख करिछंती। शारदास एक कथा कहुचंती जे जारा नामक एक शबर आनीथिबा एक व्याघ्र सह गोटिए हस्तीर लड़ई विराटंक राजसभारे प्रदर्शित होता व्याघ्रटी सह भीमसेन मध्य लड़ई करिथिले एवं से युद्ध रे भीमसेन विजयी होते बोली उल्लेख रही। जल क्रीड़ा और वन विहार कथा मध्य सारा महाभारत रे वर्णित मुख्यतः पंचदश शताब्दी रे नारी मानंक मध्य रे सम्मिलित ही क्रीड़ा सबूत हेउथिला। द्वारकार अष्टपाटवंशी रेवती सुभद्रा और बत्तीसी सहस्र कन्या एकत्र जल क्रीड़ा करुथिले। सेहीपरी वनविहार बाबदरे शारदास वर्णना करी कहुछंती जे कुंती ओ माद्री पंडुंक सह वनविहार करुथिले, पार्वती शिवंक सह वनभ्रमण करुथुवा बेले ररुद्य माना वरुण पत्नींकु भेटिथिले। अप्सरी माने वनविहार छड़रे आसी नृत्य गीत द्वारा तपस्या निरत ब्रह्मांकु आकृष्ट करिथिले। तेणु प्राचीन कालरे ए वनविहार नारी मानंक मध्यरे एक प्रमुख विलासर जदि कहिबा कार्य थिला। तेबे एठी प्रसाधन बाबदरे मध्य अनेक उल्लेख रहिछि महाभारतरे एवं केश प्रसाधन बाबदरे नारी मानंक पक्षरे मुख्यतः एमाने अधिक जत्नशीला थिले। द्रौपदी विवाह कालरे केश प्रसाधन करिथिले बोली उल्लेख रहिछि। कविंकर वर्णनारे आलट ढाड़ी सुखांती चिरंती ता केश परिधान करांती सरु झीन बास जाई जुई मल्लीमाल सेवती पाखुड़ा मालती कुसुम देई बांधंती ता जड़ा सुगंध गंध लगाई साजिले कबरी मुकुतार जाली खोसा खसी जत्न करी नानादि कुसुम खंजी बांधी सारी केश गंध लोभरे भ्रमरे नछाड़ती पास। सेहीपरि अंग प्रसाधन बाबदरे मध्य सारा महाभारत रे वर्णना कराई जे चंदन और गुरी कस्तूरी आदि सुगंध द्रव्य स्वशरीर लेपन करिबा थिला विधि। इंद्र मृगनाभि कस्तूरी बड़ी होई कुंतींक समीप को गमन करिथिले। श्रीकृष्ण अर्जुनंकर शरीर रे चंदन और कस्तूरी लेपन करिथिले। कामिनी और कामसेना आदि अप्सरी गण स्नान परे देहरे कुंकुम लगाइथिले। विवाह कालरे द्रौपदींकर शरीर रे सुगंध द्रव्य और पांडवंक शरीर रे कुंकुम कर्पूर लेपन करा जाइथिला। उत्तरांकर शरीर रे विवाह काल रे हलदी और चंदन लेपन करा जाइथिला बोली विराट पर्व रे कवि उल्लेख करिछंती। एतद् भिन्न जेहेतु से समय रा समाज व्यवस्था थिला राजतांत्रिक एवं राजा मानंकर प्रजापालन करिबार विधि गोटे राजतंत्र रे व्यवस्था यथा मंत्री कटुआल डगर दूत राज्य मानक माने भितरे शासन रो विभिन्न विभाग किपरि रहिबो राजांकर कर्तव्य कौन रहिबो सेनापति युद्धाभिजान ए सबु प्रसंग सारला महाभारत रे विस्तृत भावरे वर्णना कराइछि। तेबे मुख्यतः राजांकर कर्तव्य हिसाब रे जहाँ कुहाई से प्रमुख कर्तव्य होउची गोचर और गदांडी को छाड़ी केवल मात्र उठिया जमीरु कर ग्रहण करिबा थानी जागिरी रु कर ननेबा देवता और ब्राह्मण मानंकु
କରରୁ ଅବ୍ୟାହତି ଦେବା, ପଣ୍ଡିତ ମୁଖରୁ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଧନଦାନ କରିବା, ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଧାର୍ମିକଙ୍କୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରାଇବା, କେବଳ ବିବାହିତ ନାରୀ ସଙ୍ଗ କରିବା, ଶତ୍ରୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଶରଣାର୍ଥୀକୁ ଶରଣ ଦେବା, ତୀର୍ଥରେ ଅନ୍ନଦାନ କରିବା, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସେନାପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିବା, ଗଜ ଓ ଅଶ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ଧନଦାନ କରିବା, ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା, ଗୁଣୀ ଓ କବିଙ୍କୁ ଆଦର କରିବା, ମୃଗୟା କରିବା, ତୀର୍ଥ କରିବା, ଭୃତ୍ୟଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ରଖିବା, ସନ୍ଦେହ ସ୍ଥଳରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଜମିଜମାର ମାପଚୁପ କରିବା, କୃଷି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଓ ଯଜ୍ଞଶୀଳ ହେବା ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ସାରଳା ମହାଭାରତର ସମାଚିତ ଚିତ୍ର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ନମସ୍ତେ, ଧନ୍ୟବାଦ।